आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 7.3। 7.3 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनवर्स वेरिएशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए फोर क्वेश्चन दिए हुए एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच आर द एग्जांपल्स। यू कैन से हियर देयर आर फोर एग्जांपल्स क्वेश्चन, सो फ्रॉम देम विच क्वेश्चन आर इनवर्स वेरिएशन। तो फॉर गेटिंग इनवर्स वेरिएशन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड एनालाइज करना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन देम टू कंप्लीट अ जॉब। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ वर्कर एंड डेज टाइम रिलेटेड जॉब है, तो ये डायरेक्टली आप हम समझ सकते हैं ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल होगा, फिर भी कैसे होगा थोड़ा समझते हैं। सो नंबर ऑफ वर्कर डूइंग अ जॉब एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब ये इनवर्स वेरिएशन होगा और डायरेक्ट वेरिएशन होगा या कुछ भी होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताना है, मैं सिर्फ फाइंड आउट करना है इनवर्स है कि नहीं, ठीक है। तो समझते हैं कि सपोज ये कोई वॉल है, राइट, तो ये क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स वॉल को बिल्डअप कर रहे हैं, वॉल को बना रहे, राइट। तो आप सोचिए अगर यहाँ पे 10 वर्कर्स, सपोज 10 वर्कर्स ये जो वॉल है, राइट, बिग वॉल है, खाली यहाँ दिस एग्जाम्पल, तो ये जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं, एक वॉल को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग अगर वर्कर 20 कर देंगे, सपोज 10 वर्कर्स 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं ये वॉल को, 10 वर्कर्स 4 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं मैं 20 वर्कर कर दिया, मैंने वर्कर को बढ़ा दिया, तो क्या डेज बढ़ जाएंगे, डे कम हो जाएगा, 10 वर्कर 4 डे में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो वर्कर अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, डेज कम हो जाएगा, देयर विल बी 2 डेज लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 वर्कर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो वर्कर बढ़ गए तो डेज कम हो गया। यहाँ पे देखिए 1 इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, वर्कर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डेज डिक्रीज हो रहा है। सो वी नो व्हेन 1 क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, इट इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तुम लोग पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। सो यू कैन राइट आंसर हियर लाइक दिस, दिस इज एन एग्जांपल, this is an example of inverse variation, आप बोल सकते हैं, ठीक है, ये inverse variation का example हो गया। now next देखते हैं यहाँ पे second question, second में क्या दिया है, आप read कीजिए। number of pipes of same size to fill a tank and the time taken them to fill a tank, right? तो यहाँ पे suppose करते हैं कि ये एक tank है आपका, सिलिंड्रिकल शेप में कोई एक टैंक है जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर फिल कर रहे हैं। तो ये समझ लो आपका यहाँ पे ये एक पाइप है, टैप है, राइट, जिसमें से वाटर फिल कर रहे हैं। तो अभी समझो एक पाइप से आप जो इसमें फिल कर रहे हैं, जो टाइम लगेगा, अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे और पाइप बढ़ा दूंगा सेम साइज, तो और यहाँ पे वाटर जो फिल होगा, ठीक है, फिर नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्या लगता है जो टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी द सेम और लेस। इफ नंबर ऑफ पाइप्स गोइंग टू बी इंक्रीज, तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक विल बी लेस। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक जो रहेगा, जो टाइम लगेगा एक पाइप से, अगर वहां पे 3 और पाइप बढ़ गए, नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज होगा, तो टाइम टेकन विल बी लेस, तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और पाइप्स अगर इंक्रीज हुए तो ये जो पाइप्स है इफ इंक्रीजेस, ठीक है, तो टाइम टेकन विल बी लेस, सो 1 इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ, वी कैन से इनवर्स वेरिएशन। सो यू आल्सो राइट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, तो यहां पे लिख सकते हैं ये एग्जांपल हो गया इनवर्स वेरिएशन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है पेट्रोल फिल अ टैंक ऑफ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हम बाइक लिए या कार में, तो जितना लीटर पेट्रोल डालेंगे पर लीटर, सपोज 80 रुपीज है, राइट, तो अगर मैंने 2 लीटर लिया तो 80 का कितना हो जाएगा, 160 रुपीज, 3 लीटर लिया तो 240 रुपीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ लीटर अगर हम बढ़ा रहे तो क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, ओके, तो ये और इनवर्स में क्या होगा, एक बढ़ेगा, 1 इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, बट इन दिस केस व्हाट हैपेंड, बोथ इंक्रीजेस और बोथ डिक्रीजेस,
पेट्रोल अगर आप कम फिल कर रहे हैं तो कम कॉस्ट लगेगा, ज्यादा फिल कर रहे हैं तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, आपको ये नहीं बोलना कि डायरेक्ट वेरिएशन है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, सो सिंपली यू से दिस इज अ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ This is not an example of inverse variation. ठीक है, ये हो गया आपका। Now let us the fourth one. क्या बोले, area of circle in its radius में क्या relation होगा? आप यहाँ पे समझ सकते, ये देखिए circle है, ये radius है। Suppose ये radius 3 centimeter है and see the circle size. अगर मैं एक circle और बढ़ाऊ, इसकी radius अगर 4 centimeter है तो एरिया क्या होगा, आपको क्या लगता है? सी, 3 और 4 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल को ध्यान से देखो, ये स्मॉलर ये बिगर है, मतलब यहाँ पे रेडियस अगर बढ़ रहा है तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट? इफ रेडियस इंक्रीजेस एरिया आल्सो इंक्रीजेस, इट मींस वन इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, या डिक्रीज होगा तो दोनों डिक्रीज होंगे, राइट? सो ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है, ओके? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते आंसर में आप यहाँ पे लिख सकते दिस इज not an example of inverse variation, ठीक है? I hope कि आपको ये समझ में आया रहेगा, right? तो हमें सिर्फ यहाँ पे inverse variation बताना था, तो यहाँ पे first दो question है जो inverse variation के example है, last के inverse variation नहीं है, okay? चलिए चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या दिया हुआ है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, राइट? देखिए वॉल वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे वर्कर है 15 और क्या बना रहे वो, एक वॉल को बना रहे 48 आवर्स में, राइट? 48 आवर्स लग रहा है कोई वॉल को बनाने के लिए, ठीक है? हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, ओके? 48 आवर्स में 15 लोग बना रहे, अगर आवर्स में कम कर देता तो वर्कर मुझे इंक्रीज करना होगा, ठीक है? सो यहां आई हैव टू इंक्रीज द वर्कर, तो ये देखिए यहां पे टाइम और वर्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो एज वी नो इट इज अ एग्जांपल ऑफ, हमने भी देखा था स्टार्टिंग में, एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, तो हम यहां पे डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? पहले यहां पे लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स को N भी ले सकते हैं और W भी ले सकते हैं, तो W सबको ध्यान में रहेगा वर्कर, N means number of, तो जो भी आपको समझ में आया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट? सो वी कैन राइट बोथ, नाउ लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी, चलिए W लिख लेते हैं, राइट? लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी W एंड द नंबर एंड टाइम टेकन, ओके चलो, एंड टाइम टेकन टू build a wall B T, time taken को T ले लेते हैं, right? Let the number of workers B W and the time taken to build a wall B T. तो relation क्या हो जाएगा इसमें? So we can write here mathematical relation W is inverse variation with T. Time से हो जाएगा यहाँ पे, तो चलिए इसे remove करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका equal to 1/T. यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए? अल्फा साइन के प्लेस पे and where you write k is a constant, ठीक है? चलिए अब मुझे पता है इनवर्स वेरिएशन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो w into t equals to k, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको दो वैल्यू दी रही है स्टार्टिंग में, राइट? तो इस स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट करना है। देखिए वर्कर है यहाँ पे 15 और टाइम है 48, राइट? सो यू कैन राइट हियर when worker is 15 and the time is 48 hours, right? ये दोनों वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, राइट? तो क्या हो जाएगा देखिए इसमें रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा 15 into 48 equals to k। अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू कितनी मिलेगी ये मल्टीप्लाई कर देना है, तो 48 into 15 करते हैं, 5 8 is 20, 5 4 is 20, 24 हो जाएगा, ये 8 1 is 8, ये 4, ये देखिए 0s,
12 7 720. So we can write here, therefore PQA equals to 720. तो हो जाएगा आपका, this is constant of variation, this is constant of variation. ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये constant of variation है, right? चलिए अभी क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर वन में, पुट के इक्वल्स टू 720 इन इक्वेशन नंबर वन. सो लुक एट द इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन है, यहाँ पे रखेंगे. तो चलिए इक्वेशन नंबर वन क्या था आपका, देखिए W into T equals to K, बट इस K के प्लेस पे क्या रखना है 720, तो ये हो जाएगा आपका 720. तो इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ठीक है, ये रखना. चलिए आप यहाँ पे देखिए, अब ये दो वैल्यू में से एक वैल्यू आपको दी है और सेकेंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो ये जो सेकेंड पार्ट यहाँ स्टार्ट होगा, देखिए हाउ मेनी वर्कर्स, यहाँ पे पूछा हाउ मेनी वर्कर्स मीन डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स विद द टाइम इज गिवन. तो यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन टी इज 30 आवर्स, राइट, तो वर्कर कितने होंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू इन टू टी के प्लेस पे, ये जो टी है उसके प्लेस पे, चलो पहले इक्वेशन लिखिए. देखिए W into T equals to 720, W लिखा और T की वैल्यू है 30 equals to 720, right? तो W equals to हो जाएगा 720 divide by, ये 30 divide कर देगा, ये देखिए कैंसिल हो गया यहाँ पे, right? 3 1 3 या 4 आएगा, हाँ 3 2 6, sorry 3 2 6, 3 4 12, तो W हो जाएगा यहाँ पे 24. ये देखिए वर्कर कितने लगेंगे 24, अगर आप 30 आवर्स में काम कराएंगे तो वर्कर बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी वर्कर्स, वी कैन राइट 24 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड बोल सकते हैं. ठीक है, हो गया आपका. तो 24 वर्कर्स क्या करेंगे 30 आवर्स में उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे. सो यू कैन राइट दिस आंसर. ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है यहाँ पे. 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल सच 1800 bags. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मेंशन ही है, इट इज इनवर्स और डायरेक्ट, राइट. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टेटमेंट से समझना है, कंडीशन से समझना है क्या बोला है. तो यहाँ पे अगर ऐसा मत देखिए टाइम रिलेटेड, यहाँ पे टाइम देखा तो इनवर्स वेरिएशन नहीं, नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज या टाइम रहेगा, सो यू कैन रिलेट इट इज इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि उसमें पता है वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, कम होगा तो टाइम बढ़ेगा, सो वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोले यहाँ पे, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क. ठीक है, हाफ लीटर मिल्क क्या करना है, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क का जो पाउच बोल सकते हैं हम लोग, जो प्लास्टिक का पाउच रहता है उसमें फिल कर रहे हैं, तो 3 मिनट लग रहा है 120 बैग्स को फिल करने में, 3 मिनट लग रहा है. तो 1800 बैग्स को फिल करने में क्या टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ेगा, आप सोचो 120 बैग्स को फिल करने में 3 मिनट लग रहा है, तो अगर ये 1800 बैग्स हो गए, ठीक है, तो टाइम विल बी कंफर्म, टाइम मोर लगेगा. ठीक है, इससे ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे बैग्स बढ़ गए तो टाइम भी बढ़ जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन इंक्रीजेस बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीजेस तो टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस. सो दिस शोज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, ये आप बोल सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल हो गया. चलिए अभी देखते हैं हाउ टू राइट. चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग. देखिए पहले तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा नंबर ऑफ बैग्स एंड द टाइम. तो लिख सकते हैं यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ बैग्स, लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क बी एक्स ले देते हैं. ठीक है, या एन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एन ले लो, चलो ठीक है एन.
लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, हाफ लीटर मिल्क का जो बैग है वो कितना है, एन है. एंड टाइम टेकन टू फिल सच बैग, टू फिल बैग्स ले देंगे, चलिए टू फिल बैग्स बी टी ले लेते हैं, ठीक है. लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क बी एन एंड द टाइम टेकन टू फिल बैग्स बी टी. ओके, तो यहाँ पे हम समझ गए इट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. सो यू राइट हियर एन वेरीज डायरेक्टली टू एन, राइट. तो अब देखिए एन हो गया, यहाँ पे ये साइन निकालेंगे तो इक्वल्स टू के इन टू टी. सो वेर के इज अ कॉन्स्टेंट, के हो गया आपका कॉन्स्टेंट, राइट. चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, n और t की वैल्यू दी रहेगी तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो इसे हम क्वेश्चन नंबर वन भी बोल सकते हैं, हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर वन भी दे दो. ओके, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू लिखेंगे तो n अपॉन t रेशियो फॉर्म होगा, बट विल कीप एज इट इज. चलिए यहाँ पे रीड करते हैं, वेन देखिए नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 120, सो n इज 120, देन टाइम, टाइम इज टेकन 3 मिनट्स, यहाँ पे टाइम 3 मिनट लग रहा है. ओके, 3 मिनट्स कि यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस प्लेस पे n के प्लेस पे 120 के इनटू टाइम 3, ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड कर देगा कि आपका हो जाएगा 120 अपॉन 3 इक्वल्स टू के. देयरफॉर 3 1 3 4, देखिए 40 आया, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, देयरफॉर k इक्वल्स टू 40. तो इसे बोल सकते हैं This is constant of variation. ये हो जाएगा k आपका constant of variation. तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन में k की वैल्यू रख देंगे, राइट. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ये देखिए पुट k इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन नंबर वन. अब देखिए इक्वेशन नंबर वन क्या था आपका, n equals 2k into t, तो n k की वैल्यू हो जाएगी 40 into t, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड. इसी को हम लोग बोलेंगे this is equation of variation. यहाँ पे बोल सकते हैं this is equation of variation. Which one? This one. ये हो गया आपका equation of variation. Now अब यहाँ पे देखिए n और t में एक वैल्यू दी होगी, जैसे आप k की वैल्यू रखेंगे तो n और t की वैल्यू दी रहेगी, कोई भी एक तो आपको मिलेगा, पता करना है क्या दिया हुआ. देखिए द टाइम टेकन, यहाँ लिखा फाइंड द टाइम टू फिल, मतलब t निकालना है, एंड 1800 बैग्स दिया हुआ, तो यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ बैग है 1800 मींस ये, देन टाइम कितना हो जाएगा सुमा. ओके चलिए तो यहाँ पे रखते हैं, therefore लिख सकते हो put n equals to 1800 in equation number 2, right. ये देखिए n की जगह पे क्या रखेंगे, ये देखिए आप 1800 equals to 40 into t, ये 40 divide कर देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1800 divided by 40 equals to t, ये 0 0 cancel, 4 4 4 4 16 4 5 राइट. तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 45, तो t की वैल्यू मिल गई 45. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, टाइम, ठीक है. तो यहाँ पे आप बोल सकते 45 मिनट्स, क्वेश्चन में क्या है, ओके 45 मिनट्स रिक्वायर्ड टू फिल 1800 bags. आप देख सकते हैं 45 minutes required to fill 1800 bags. To fill. Okay. ये अभी miss out हो गया तो correction कर सकते हैं. 40 minutes required to fill 1800 bags. चलिए देखते हैं अभी हम last question. हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट. कैन यस में अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे देखिए कार है
उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 8 आवर्स टाइम लेता है टू ट्रेवल सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस कवर करना है ठीक है, एक विलेज से दूसरे विलेज में जा रहे, सपोज सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे, तो वो 8 आवर्स लगता है, 60 किलोमीटर उसकी स्पीड है पर आवर की, मतलब 1 आवर में वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो 8 आवर्स में वो सम डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, स्पीड कितनी इंक्रीज होगी इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड 7.5 आवर्स, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7. ऐसे भी फ्रैक्शन भी हम लोग कर सकते हैं 7.5 लिख सकते हैं, राइट। चलिए ये कैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 8 आवर्स लग रहा है अगर, मतलब 7.5 राइट, मतलब इससे हाफ एन आवर कम होगा तो स्पीड उसको कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर की अगर उसकी स्पीड है तो 8 आवर्स में पहुंच रहा है, तो अगर 8 आवर्स की जगह पे मैं बोलूं मुझे हाफ एन आवर पहले पहुंचना है, मतलब 7.5 आवर में पहुंचना है, तो उसकी स्पीड तो बढ़ेगी तो ही, क्योंकि टाइम कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। सो सी दिस इज अ रिलेशन ऑफ स्पीड एंड टाइम, स्पीड बढ़ा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये एग्जाम्पल हो गया इनवर्स वेरिएशन का, लेट अस सी इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, स्पीड को एस ले लेते हैं ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एस, ओके। चलिए यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत है, लेट इट बी, एंड टाइम टेकन, एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल सम डिस्टेंस बी टी, टाइम को लेते हैं 10। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्या, इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, सो एस ए इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली 1/T बोलेंगे यहाँ पे। और देखिए आपको पता है यस लिखेंगे और जब ये रिमूव करेंगे तो इक्वल्स टू के इंटू 1/ हो जाएगा 1/T, राइट। यू कैन राइट वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे बोल सकते हैं के क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, ओके। चलिए इनवर्स वेरिएशन है सो वी नो दैट इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू कैन राइट एस इन टू टी इक्वल्स टू के, हो जाएगा अपेक्ष नंबर 1, राइट। चलिए इस केस में एस और टी की वैल्यू दी होगी, तो व्हेन एस ए स्पीड कितना है 60, देन टाइम कितना लग रहा है 8, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 60 लिखेंगे और टाइम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं के की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ओके। तो के हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 800 8 6 48, सो 480, राइट। तो ये हमें बोल, ये हो जाएगा आपका दिस इज, लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ अ वेरिएशन, दिस इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, ओके। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपका था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में के की वैल्यू रखनी है, सो राइट हियर पुट k equals to 480 in equation number 1. So what is equation number 1? S into t equals to k. ये देखिए तो k के प्लेस पे क्या रखते हैं हम लोग 480. अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिखेगा ये इसे बोलेंगे this is an equation of variation. ये equation of क्या हो गया? Variation हो गया. Right. चलिए अब यहाँ पे एस और टी में एक वैल्यू दी रहेगी दूसरी फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पे आपको देखो टाइम दिया है ये, तो टाइम इज गिवन व्हेन एस इज, सॉरी टी ना, टाइम 7.5 आवर्स, राइट। इट मींस 7.5 लिख सकते, 7 × 14, अगर इसको हम लोग ऐसे करेंगे 7 × 14 प्लस 1 15/2, 15/2 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ओके। या हाफ का 0.5 + 0.5 7.5, तो क्या होगा देखिए, देन एस क्या होगा, स्पीड क्या होगा, अगर टाइम 7.5 हो जाएगा तो स्पीड कितना लगेगा, तो अब ये हम इसे बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसे सेकेंड बोल सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली रखता हूँ, एस लिखा टी के प्लेस पे लिखेंगे 7.5 = 480,
तो एस इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 7.5। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, पॉइंट डिनोमिनेटर में है तो पॉइंट डिनोमिनेटर में एक डिजिट के बाद है। अगर मैं सपोज यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था बट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई 10 हियर, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक्चुअली यहाँ यहाँ होता है, अगर यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 7, फिर यहाँ पे आपको 7.5 लिखना होगा, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 75 हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड पार्ट कर लीजिए, तो अगर यहाँ पे डेसिमल है तो अपोजिट में यहाँ पे न्यूमरेटर में आप नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये कैंसिल कर सकते हैं आप 5 से, देखिए 5 2 10, 5 5 5 5 25, अब देखिए 15 से भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 15 से नहीं जम रहा तो आप 5 से भी छोटा कर सकते हैं, 5 3 15, ये देखिए 5 9 45, ठीक है। 3 बचेगा यहाँ पे 35 6 30, 3 को देखो से काट सकते हैं हम लोग, ये 96 × 2/3 है यहाँ पे, देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 1 0, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो गया यहाँ पे, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 9, 3 2 6, देखिए 2 2 4, 2 3 6, 64 आ जाएगा। तो वी कैन से एस इज 64, तो आपको मिल गया 64। बाद में यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या दिया यहाँ पे यूनिट, किलोमीटर पर आर, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर, राइट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको सेम डिस्टेंस कवर करना है, सेम डिस्टेंस टू बी कवर्ड विद 7.4 आवर्स विद इन वो टाइम में कवर करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए थी 64 किलोमीटर पर आवर, और आपको ऑलरेडी स्पीड कितनी दी 60 और होनी कितनी चाहिए 64। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना इंक्रीज होगा, व्हाट शुड बी इंक्रीज, राइट। इंक्रीज हमें फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कार, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कार हो जाएगा 64, ये देखिए ऐसे करते हैं 64 माइनस 60 कितना आएगा 4 किलोमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ये 4 है तो वी कैन राइट हियर 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। समझ में आपको कैसे, एक्चुअली स्पीड होगी 64 अगर वो 7.5 आवर्स में कंप्लीट करनी है जर्नी को, राइट। तो ऑलरेडी स्पीड है कार की 60, तो कितनी इंक्रीज हो रही, क्वेश्चन में पूछा है कितना आवर शुड बी इंक्रीज इन द स्पीड, सो इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कार विल बी दिस, तो बाद में लिख सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज शुड बी स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7.5 आवर्स, सो लास्ट का स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। तो आपका ये हो गया फाइनल आंसर, सो आई होप कि हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट कर दी, ओके, और आपको समझ में आ रहेगा, तो आप इससे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें, एक्चुअली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको आगे यूज भी होगा। हम लोग बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो ट्रैवलिंग और टाइम से रिलेटेड ऐसे है, तो ये एक्सरसाइज, ये लेसन एक्सरसाइज, हम लोग प्रैक्टिस सेट या लेसन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आगे भी आपको यूज होने वाले है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो चलिए, आपको होप कि आप अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है।